अर्थसंकल्प उद्या मांडण्यात येणार आहे, मात्र या अर्थसंकल्पात नेमकं काय असणार आहे याची उत्सुकता संपूर्ण देशाला आहे, कारण कोरोना काळ गेल्यानंतर पहिला अर्थसंकल्प सादर होतो आहे आणि यामध्ये सर्वांना दिलासा मिळावा याची सर्व स्तरांमधनं इच्छा आहे, सर्व वर्गाची सर्व क्षेत्रांची इच्छा आहे. मात्र नेमकं अर्थसंकल्प कसा असणार आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत तज्ज्ञांकडनं. आपल्यासोबत पंकज जयस्वाल सर आहेत जे अर्थतज्ज्ञ आहेत, तर दुसरीकडं आपल्याकडं श्रीवास्तव सर आहेत जे छोटे व्यापारी आहेत. त्या व्यापाऱ्यांना नेमका काय तोटा झालेला आहे, त्या व्यापाऱ्यांना नेमकं या बजेटमधनं काय अपेक्षा ते आपण सगळं जाणून घेण्याचा प्रयत्न करू. आपण सगळ्यात आधी जाऊया अर्थतज्ञ पंकज जयस्वाल सरांकडे. सर, सबसे पहिले तो ई टी व्ही में आपका बहुत बहुत स्वागत आहे. कल बजेट एक सभी की नजरें उस पर है, आप किस तरह से इस बजेट को देखते हैं? देखिए, ये उम्मीदों की नज़र से देखते हैं, क्योंकि पूरा 9 महीना जो है, इवन आफ्टर बजट अनाउंसमेंट 1 फरवरी को हुआ था और मार्च से ही लॉकडाउन लग गया था, तो ना बजट के जो अनाउंसमेंट थे वो फुलफिल हुए थे, ना हम लोगों की प्लानिंग फुलफिल हो पाई, ना गवर्नमेंट की प्लानिंग फुलफिल हो पाई, और पूरा साल जो है एक तरह से बेकार गया, एक तरह से बोले इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग बोल लीजिए या अन्य तरह की प्लानिंग. तो हम चाहेंगे कि ये जो पूरा आहुति हुआ है, ये 9 महीने का जो हम लोग ने यज्ञ किया है, चाहे सरकार ने चाहे हमने, इस आहुति में सारी परेशानियाँ जल जाएँ और उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स हमने फेस किया है या जो भी पुरानी समस्याएँ जो 70 साल से चली आ रही हैं, उसकी भी आहुति इसी 9 महीने में हो जाए और एक नया भारत का उदय हो. जो बजट आए वो सबके अंदर एक नया उत्साह लाए, सबको एक नया लाइफ मिला है, एक तरह से सब मौत के कुएं से बाहर निकले हैं. तो हम क्यों पुरानी परेशानियों, पुराने टैक्स के प्रॉब्लम, पुराने इकोनॉमिक इशूज की तरफ देखें? हम चाहेंगे कि एक नए भारत का उदय हो, एक नए बजट, एक नए वित्तीय प्लानिंग के साथ, और हमारे सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, जितने भी टैक्स की पेनाल्टीज, डिस्प्यूट्स, जो भी आपके किसी के से अगर गलती हो गई है, कुछ उसने नहीं किया है, अनलेस एंड अनटिल इट इज अ फ्रॉड एंड क्राइम, जेन्युइन जितने भी प्रॉब्लम हैं, जो व्यापारियों से मिस्टेक्स हो गए हैं, उन सबको माफ़ करते हुए एक नया टैक्स का डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम लॉन्च करते हुए एक नई टैक्स की स्ट्रक्चरिंग लाए, एक नए बजट की प्लानिंग लाए, क्योंकि सारे बजट के अनुमान जो है धाराशायी हो गए थे. तो हमको बजट की प्लानिंग भी नए तरीके से करनी पड़ेगी. अब रोटी कपड़ा मकान के साथ रोटी कपड़ा स्वास्थ्य और मकान, ये 4 चीज़ जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी में लानी पड़ेगी, क्योंकि अब हेल्थ इज ए बिग इशू. तो रोटी कपड़ा मकान तो पिछले 70 साल से हमारा मिशन और सरकारों का मिशन रहा है. हम चाहेंगे कि इसे रोटी कपड़ा स्वास्थ्य और मकान का मिशन बनाया जाए, इस बजट के माध्यम से सरकार इस पॉलिसी पे आगे बढ़े. बिल्कुल सर, लेकिन जैसे अभी आपने जिक्र किया कोरोना काल था, कोरोना काल की वजह से सारे काम ठप पड़े हुए थे. जैसे सामान्य जो लोग हैं उनके पूरे काम ठप पड़े हुए थे, जो व्यापारी वर्ग है उनके पूरे काम ठप पड़े थे. इवन अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार की पूरी तिजोरी जो भी है, वो इन पूरे इस 2-10 महीने गए, इनमें पूरी तरह से लगभग खाली होती हुई हमें नज़र आ रही है. और इस सारे इस बातों को अगर हम देखते तो इस बजट में क्या टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने पर केंद्र सरकार ध्यान देगी या ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत देने पर ध्यान देगी? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा टैक्स लेने पर ध्यान देगी, क्योंकि वित्त मंत्री ने बोला था कि पिछले 100 सालों में ऐसा बजट नहीं आया होगा. जो आएगा तो टैक्स लगाने के लिए तो नहीं बोलेंगे इस तरह के स्टेटमेंट कि पिछले 100 सालों में बजट नहीं आएगा हम देंगे. और रही बात कलेक्शन नहीं हुआ तो खर्चे भी उतने नहीं हुए. आप इंडिविजुअल लेवल पर देखिए, आपने भी खर्चे कम किए होंगे क्योंकि आप लगातार घर में रहे, बहुत सारे फालतू खर्चे कम हुए होंगे. ये जो पूरा पीरियड रहा 9 महीने, एक हमको लर्निंग दे गया, एक कोरोनामिक्स का एक सिद्धांत दे गया कि हम कॉस्ट ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, अपने कॉस्ट में एफिशिएंसी ला सकते हैं. तो बहुत से लोगों के अगर खर्चे 100 थे तो उनको पता चला नहीं 70 रुपये के खर्चे में भी हम सेम लाइफ स्टाइल जी सकते हैं. तो जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हुआ है वो इंडिविजुअल लेवल से लेके गवर्नमेंट लेवल से भी तक हुआ है. तो गवर्नमेंट जो है अपने कॉस्ट के एक्सपेंडिचर को फिर से रिव्यू कर रही है और उसको प्रोडक्टिव सेक्टर में डालेगी. तो हो सकता है कि हमें उतने बजट की ज़रूरत न पड़े जो अब तक पड़ती रही है, क्योंकि चारों तरफ से सबको एक नई वर्किंग स्टाइल मिली है, नए कार्य करने के तरीके मिले. कॉरपोरेट लेवल पे आप देखेंगे जो लोग हर महीने फैक्ट्री विजिट करते थे वो ट्रेवलिंग का विजिट खत्म हो गया. अब मीटिंग्स के लिए लोग जूम प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं. तो बहुत सारे वर्किंग स्टाइल में भी चेंजेज आ गया है. तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल लीजिए या कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन है वो इंडिविजुअल, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट लेवल पर भी कम हुआ है. तो बजट का कैलकुलेशन जो है, बजट थोड़ा सा कम होगा लेकिन हेल्थ इंफ्रा में ज़्यादा बढ़ जाएगा. अब गवर्नमेंट कहाँ से अगर इस टैक्स को लाएगी तो हम कहेंगे आप सर्विस बढ़ाओ और सर्विस का पैसा लो, हमें पेन नहीं होगा. आप हमसे पैसा लो और सर्विस ना दो तो हमें पेन होगा. हम एज ए मुंबई कर सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन क्या हमारी सड़कें वैसी हैं वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड की? हम इंटरनेशनल सिटी में रहते हैं, लेकिन हमें आज भी जब हम अपने घर से निकलते हैं तो रास्ते में गड्ढे वाली सड़कें मिलती हैं.
तो हम टैक्स देने से मना नहीं करते, बट वी शुड गेट अ गुड सर्विस। जैसे दुबई में जाइए, इनकम टैक्स नहीं है, क्या फिर भी वहाँ की इकोनॉमी नहीं चल रही है क्या? सबसे अच्छी इकोनॉमी है वहाँ पे, सबसे अच्छा वर्ल्ड क्लास सिटी है। उन्होंने क्या किया है, सर्विस चार्जेस के थ्रू पैसा लेना चालू किया। तो जिसको उस सर्विस की इच्छा होगी, उस सर्विस का पैसा देगा। तो आप अच्छी रोड बनाइए, टोल ले लीजिए, अच्छा है, अच्छी सर्विस दीजिए, लग्जीरियस चीज़ों पर ज़्यादा आप टैक्स बढ़ाइए और टैक्स बेस बढ़ाइए। टैक्स बेस बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपने सबको पैन नंबर दे दिया और सबको जीएसटी नंबर दे दिया और पीछे से धनाधन नोटिस दे दीजिए, ऐसा नहीं। टैक्स फ्रेंडली आप बनाइए, लोग वॉलंटरली टैक्स दें, ऐसा माहौल होना चाहिए, लोग वॉलंटरली टैक्स दें। तो वो कब देंगे? जब लोग हैप्पी रहेंगे। हैप्पी कब रहेंगे? सरकार से हमारी उम्मीद क्या है? हम बेस्ट हेल्थ इंफ्रा चाहते हैं, बेस्ट एजुकेशन इंफ्रा चाहते हैं, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं। यही मोटा मोटा चीज़ हम सरकार से चाहते हैं। ये सरकार चीज़ अगर हमें देती है तो हमें टैक्स देने में कोई वो झिझक नहीं, हम टैक्स जो है स्वेच्छा से देंगे। तो जब तक वॉलंटरली टैक्स पेमेंट नहीं बढ़ेगा तब तक सरकार के पास अच्छा पैसा नहीं है। दर्द से पाया हुआ पैसा दर्द ही देता है और खुशी से पाया हुआ पैसा खुशी देता है। तो सरकार को खुशी से पैसा इकट्ठा करना चाहिए, खुश लोगों का करना चाहिए। यानी जैसे कोरोना काल ने हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी है, उसी तरह से अभी टैक्स के जो भी रिवेन्यू से हमें बदलने पड़ेंगे। जैसे पुरानी जो तकनीक थी कि जो लोगों से टैक्स लिया जाता था, व्यापारियों से टैक्स लेते, तो अभी बदलते सर्विस टैक्स में अगर हम लोग ध्यान दें तो जीएसटी, जैसे आपने बिल्कुल कहा जीएसटी हो, या तो फिर जो सर्विस टैक्स जैसे आपने कहा कि अच्छी सर्विस दो और उसके ऊपर से टैक्स लो, तो रिवेन्यू भी बढ़ेगा, खुशी भी बढ़ेगी। देखिए मैंने वही बोला, टैक्स जैसे होता ना कि किसी को दर्द दे के पैसा लोगे तो वो पैसा आपको दर्द देगा, किसी को खुशी से पैसा लोगे तो पैसा आपको खुशी देगा। तो सरकार को वो मैकेनिज्म लाना पड़ेगा। चाणक्य की नीति भी है कि मधुमक्खी की तरह आप टैक्स लो, फूलों से जब रस निकालो तो मधुमक्खी फूल भी जिंदा रहे और आप मधु भी बनाओ। तो सरकार को चाणक्य की नीति पे टैक्स का कलेक्शन करना चाहिए। आपने देखा होगा कि ये डेटा आया था कि नवंबर माह में बहुत ज़्यादा कलेक्शन हुआ जीएसटी का, लेकिन आप उसका अगर दिसंबर माह में, तो नवंबर माह का डेटा आया था, लेकिन आप उसका अगर माइनोरिटली अध्ययन करेंगे उसमें लेट फीस का कलेक्शन ज़्यादा था। उसमें 18-19 के ऑडिट्स का, जीएसटी ऑडिट का लास्ट डेट था, तो 18-19 का कलेक्शन ज़्यादा था, नवंबर माह का कलेक्शन नहीं था। तो अगर आप ये सोचोगे कि हम लेट फीस से रेवेन्यू कमाएंगे, हम पेनल्टी लगा के रेवेन्यू कराएंगे, 31 दिसंबर 2012 को लाखों की संख्या में जीएसटी नोटिस व्यापारियों को भेजेगा, कौन भेज रहा है ये? हमारे प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा, मोदी जी की इच्छा नहीं है कि हम आम आदमियों को कष्ट दें, लेकिन कौन है जो बैठा है उस ऑफिस में या उस मंत्रालय में जो देश को टेक्निकली ऑपरेट करना चाहता है? यह देश टेक्निकली ऑपरेट करने वाला नहीं है। 135 करोड़ का देश है, 70 से 80 करोड़ इसमें किसान हैं, मिडिल क्लास हैं, और हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग नहीं है, सारे कानून इंग्लिश स्पीकिंग बनते हैं। तो अगर आप ये चाहें कि सब लोग को ए टू जेड कानून मालूम रहे, नहीं मालूम रहे। देश में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की संख्या कम है, 2 लाख मुश्किल से प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, और जीएसटी की लॉ इतना कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे वो समझेंगे? और एक्ट बन गया बराबर है, रूल एंड रेगुलेशन के जो पावर ऑफिसर्स के हाथ में दिए गए, डिस्क्रिशनरी पावर, पर डे नोटिफिकेशन आ जाता, पर डे सर्कुलर आ जाता है, अब लोग बिजनेस करेंगे कि सर्कुलर रीड करेंगे? तो ये सब चीज़ों को, जो मशीनरी जो इस्तेमाल हो रही है, उस मशीनरी के इस्तेमाल में कोई जन नेता को बैठाना पड़ेगा। जब तक जन नेता उस मशीनरी को हैंडल नहीं करेगा, कोई टेक्निकल आदमी करेगा, कोई जो है ब्यूरोक्रेट्स करेगा, तो पब्लिक को परेशानी होगी। थोड़ा पब्लिक फील टच टैक्स पॉलिसी में चाहिए सरकार को, विश्वास होना चाहिए सरकार को भी लोगों पर, और लोगों को भी सरकार पर विश्वास होना चाहिए। लोगों का सरकार पर विश्वास है, सरकार का लोगों पर विश्वास है, लोगों और सरकार के बीच में जो लोग हैं, जो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सरकार के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि हम पब्लिक को परेशान करेंगे। सरकार का जो विजन डॉक्यूमेंट, उसमें भी कहीं नहीं लिखा है कि हम पब्लिक को परेशान करेंगे। सरकार ने जो नीतियाँ भी बनाई, उसमें भी कहीं नहीं लिखा कि हम पब्लिक को परेशान करेंगे। लेकिन पब्लिक परेशान क्यों हो रही है? क्योंकि बीच में जो लोग हैं, जिसके ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी है, वो टेक्निकल लोग हैं। उनको लगता है कि हम इधर पेनल्टी का मीटर लगा देंगे, रोज़ सुबह आएंगे तो 1000 करोड़ बढ़ जाएगा तो हमें शाबाशी मिलेगी। आप वो पैसा निकाल कहाँ से रहे हैं? आप पब्लिक के जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल, उस पब्लिक के जेब में जो 9 महीने से कष्ट में सही है, उस पैसे की खुशी आप मनाएंगे तो जनता को दर्द होगा। इस चीज़ से निकलना पड़ेगा। जैसे अभी हम देख रहे हैं इस बजट पर, जैसे अभी आपने कहा कि टैक्स कहाँ से आना चाहिए या टैक्स कैसे इंक्रीज किया जाना चाहिए, उसके ऊपर आपने कहा। लेकिन जिस तरह से अभी सामान्य जो लोग हैं कोरोना काल के बाद काफ़ी डरे हुए हैं कि, और उसके बाद ये बजट आ रहा है, तो उनके ऊपर कहीं भार ना हो,
ज़्यादा टैक्स उनको ना देना पड़े, इस पर भी वो लोग विचार करें तो उनको सहूलियत मिल सकती है क्या? इस मुझे लगता है कि टैक्स का भार नहीं बढ़ेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब का भी डायरेक्ट इसमें लगता है कि डायरेक्शन है कि पब्लिक को उतना ज़्यादा कष्ट न दिया जाए। सरकार की तरफ से मैंने पिछले बार भी बोला, अभी सरकार की मंशा में कमी नहीं है। अगर सरकार रिलीफ देना चाहती है तो 31 दिसंबर 2012 को जो पूरा देश खुशियां मना रहा था, लाखों की संख्या में जीएसटी का 100 कश नोटिस भेजने की क्या जरूरत थी? ये किसी सरकार का डायरेक्शन नहीं होगा। ये कोई सरकार नहीं चाहेगी कि 31 दिसंबर की रात लोग नए आने की खुशियां इस 100 कश नोटिस लेकर मनाएं। तो ये सरकार की मंशा नहीं है, सरकार नहीं चाहेगी, इसलिए सरकार कोई टैक्स नहीं लगाएगी जहाँ तक मेरा उम्मीद है। और ये जो ATC का डिडक्शन है 1.5 लाख का, इसको बढ़ाएगी मेरी जो उम्मीद है। और चूँकि स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ तो ATD के जो डिडक्शन है या जो हेल्थ एक्सपेंडिचर के जो टैक्स में रिबेट्स मिलते हैं इसको बढ़ाएगी सरकार। इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था इस कोरोना काल में, लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की वैल्यू पता चली और लाइफ इंश्योरेंस में भी टर्म लाइफ इंश्योरेंस की वैल्यू पता चली। कोई जाता है तो 50 लाख 1 करोड़ मिलता है। तो इस चीज़ को प्रमोशन के लिए सरकार पॉलिसी लाएगी। टैक्स का स्लैब बहुत लंबे समय से डिमांड हो रहा था, रीस्ट्रक्चर करो। अभी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 0 टैक्स की लिमिट सिर्फ 2.5 लाख है। हो सकता है सरकार इसको ब्लैंकेट 5 लाख कर दे। पिछले बजट में 5 लाख किया था, बट अंडर सेक्शन 87A उन्होंने एक रिबेट दिया था कि 5 लाख तक जो है आप जो टैक्स होगा अंडर सेक्शन 87A के तहत रिबेट पाएंगे। 5% का रेट लगा था, लेकिन जैसे ही 5 लाख क्रॉस करते हैं 20% का टैक्स रेट है, जो बहुत ज़्यादा है। तो हमें लगता है इस बजट में जो सरकार जो है वो टैक्स स्लैब का रीस्ट्रक्चर करेगी, ATC की लिमिट बढ़ाएगी, ATD की लिमिट बढ़ाएगी, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड जो है कुछ टैक्स इंसेंटिव देगी। जैसे ATJJAA में था कि नया एम्प्लॉय आता है तो आपको इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर और अलाउ हो जाएगा, जिससे आपके टैक्स रिबेट हो जाएंगे, टैक्स थोड़े कम पड़ जाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा लॉस हुआ कोरोना काल में, लोगों की पे कट हो गए हैं, लोगों की नौकरियाँ छूट गई हैं। लोग ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियाँ दें, इसके लिए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड टैक्स इंसेंटिव भी देगी और एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड कुछ इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी लाएगी, MSME के लिए पॉलिसी लाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो। टैक्स कलेक्शन की जहाँ तक बात है कि टैक्स कैसे कलेक्ट करेगी, तो टैक्स को आप फ्रेंडली बना के कलेक्ट कर सकते हैं। टैक्स का रेट आप कम करेंगे तो टैक्स बेस बढ़ेगा, तो आप खुशी से टैक्स ले लीजिए, खुशी से टैक्स ही आप बढ़ा सकते हैं। दर्द से टैक्स देने जाएंगे तो लोग भागेंगे, टैक्स चोरी करेंगे, तो टैक्स चोरी ना हो इसलिए सरकार को खुशी से टैक्स कलेक्शन करने का प्लान करना चाहिए। जैसे अभी आपने किसानों का भी एक मुद्दा उठाया और हम फिलहाल तो हम देख ही रहे कि किसानों का मुद्दा किस तरह से पूरे देश में उठा हुआ, तो किसानों को भी खुश करने के लिए ज़रूर सरकार कुछ ना कुछ करेगी। किसानों को खुश करने के लिए सरकार ने 3 बिल लाया ही था, अगर सिर्फ उसमें MSP का पॉइंट जोड़ दिया जाए तो बहुत ही आइडियल बिल है ये। और ये 70 साल से नहीं, हम तो कहेंगे सैकड़ों साल से ये मांग थी कि बाज़ार और किसानों को डायरेक्ट क्यों नहीं किया जा रहा है, क्यों बीच में इनके बैरियर लगा दिया गया है, किसानों के सामने सिर्फ एक बायर क्यों है। और इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है कि सप्लायर अगर वही रहता है और बायर बढ़ते हैं तो प्राइस बढ़ता है। तो अगर बायर बढ़े हैं अदर देन मंडी, दुनिया के बायर भी आ गए खरीदने के लिए, तो प्राइस बढ़ेगा। इट्स बहुत जनरल रूल है इकोनॉमिक्स का कि डिमांड अगर बढ़ती है और सप्लाई कांस्टेंट रहता है तो प्राइस बढ़ेगा। तो MSP ऐसे भी इरिलेवेंट हो जाती है, लेकिन जब MSP इरिलेवेंट हो रही है, आप अपने प्रेस रिलीज में प्रेस नोट में सरकार बोल रही है कि हम MSP देंगे, तो इसको कानून का पार्ट बना देगी, तो ये वेलकम हो जाना चाहिए। और किसानों की तरफ से भी हम चाहेंगे कि बिंदुवार चर्चा जो है वो ज़रूरी है। कभी इतिहास गवाह है कि कभी कानून वापस नहीं हुआ है, तो कानून वापस अगर आप ऐसा डेडलॉक की मांग करेंगे जो नहीं होना है तो वैसा नहीं होना चाहिए। गांधी के सूत्र जो हैं आंदोलन के, उसको अडॉप्ट करना चाहिए। गांधी जी बोलते हैं वृक्ष बनो, लचीला वृक्ष बनो, ताकि तेज आंधी आए तो थोड़ा झुक जाओ और आंधी चली जाए तो खड़े हो जाओ, कड़ा वृक्ष बनोगे तो आंधी उड़ा ले जाएगी। तो सरकार और इन दोनों लोगों को लचीला बनना पड़ेगा, निर्णय में पहुंचना पड़ेगा। एडामेंट हो जाना कि नहीं मैं कानून वापस जब तक नहीं होगा, अच्छा नहीं। सरकार का प्रस्ताव बहुत अच्छा है कि हम बिंदुवार चर्चा करने के लिए तैयार हैं, हम MSP के लिए तैयार हैं। अगर ये दोनों हो जाता है तो कृषि में युगांतकारी परिवर्तन होगा। दूसरा, जो 100 साल का जो बजट गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट है, तो आप ये मान के चलिए कि मेगा अनाउंसमेंट होने वाले हैं। मेगा अनाउंसमेंट किस सेक्टर में होने वाले हैं? मेगा अनाउंसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में होने वाले हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आपको नहीं बोल सकती आप खरीदिए। और आपदा काल में हमेशा नीचे के लेवल पे पैसा पहुंचाने के लिए लोग महलों का निर्माण करते थे सदियों पहले, तो सरकार आज के डेट में महल तो नहीं बनाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी। तो बिग बैंग अनाउंसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में होने वाले हैं और बिग बैंग अनाउंसमेंट एग्रीकल्चर इंफ्रा में होने वाले हैं कि किसान के खेत से पॉलिसी तो बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ही बाजार आएगा, तो किसान के खेत से वो माल रूस और ईरान तक जाए,
उसकी व्यवस्था सरकार इस बजट में करेगी, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम फार्म टू फार्म गेट टू एयरपोर्ट टू समुद्री पोर्ट, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिग बैंग अनाउंसमेंट होने वाला, चाहे कोल्ड स्टोरेज चैन हो या कार्गो पोर्ट हो या लॉजिस्टिक्स पार्क हो या वेयर हाउसिंग हो या फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, इवन MSP की बात हो, ये सब बिग बैंग अनाउंसमेंट आपको हमें उम्मीद है कि सरकार इस बजट में करेगी। तर नेमकं बजेटमध्ये काय असेल ह्या सांगण्याचा प्रयत्न अर्थतज्ञांकडनं केला गेलेला आहे, नेमकं छोट्या व्यापाऱ्यांना या बजेटकडनं काय आशा आहे ते पण आपण जाणून घेऊया। संजय श्रीवास्तव सर आपल्यासोबत आहेत, सर स्वागत आहे आपका। आप क्या कहेंगे, क्योंकि आप एक छोटे व्यापारी है और हमने देखा है कि पिछले 8-9 महीनों में छोटे व्यापारियों पर किस तरह से ये जो कोरोना काल की वजह से जो टाइम आया है वो बहुत बुरा टाइम था, आप इस बजट से क्या चाहते हो? देखिए, ये जो साल रहा ये हमको याद रहेगा कि बहुत ही तकलीफ दे था, जो हम लोग का बिजनेस सफ़र हुआ है और आम आदमी ने जो सफ़र किया है उसे देखते हुए हम तो यही चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो कि हमको टैक्स में रिबेट हो, भाई इट कॉर्पोरेट टैक्स या पर्सनल इनकम टैक्स में। तो ये साल को ध्यान में रखते हुए कंपनसेशन हमको चाहिए ताकि हाँ भाई आपको टैक्स फ्री हो जाए या टैक्स कम हो, पर्सनल इनकम टैक्स जिन्होंने बताया वो कम हो, ताकि आदमी की आदमी होती है सो हाथ में पैसा ज़रूरी है। आज की तारीख में हमारे जो फिक्स कॉस्ट हैं वो रहेंगे ही, वेरिएबल कॉस्ट में जो हमने आदमी रखे थे उनको छोड़ना पड़ा, उनकी इनकम ख़त्म हो गई, कुछ गारंटी नहीं रोज़गार की, तो वो आदमी ने सफ़र किया है, हम लोग तो ठीक है, लेकिन जो लोग कम के नीचे जिनकी स्किल कम है उनको कुछ नहीं मिला है, बी इट स्किल इंडिया और बी इट लेट्स इनकम इंडिया, देयर इज नथिंग एट ऑल। सो एवरी पर्सन हैज़ टू फेड समथिंग मनी एज अ बेस लेवल टू फीड देम विच इज़ मिसिंग। दूसरा जिन्होंने बताया हेल्थ का, आज अगर मैं कोरोना मरीज हो जाऊं तो मुझे अपना बिजनेस और मेरा घर बंद बेचना पड़ेगा, ये एक बहुत दुख की बात है जो सरकार को पता नहीं है। ऑन अ कॉर्पोरेट लेवल जो हमको टैक्स के नोटिस आते हैं उसके पीछे कोई आदमी नहीं है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम को समझता नहीं है कि ये आदमी किस दौर से गुजर रहा है, ये एक फिगर कंपेयर करना नहीं होता है, ये आदमी की एक जो उसने खड़ा किया है व्यापार तो उसको चलाना चाहता है, बंद नहीं करना चाहता है, वो टैक्स की चोरी नहीं है, उसकी मजबूरी है, उसको ध्यान रखते हुए कुछ तो कर माफ़ हो या कुछ कॉम्पनसेशन मिलनी चाहिए इस जो साल को जो गया है। अगला साल कैसा होगा मुझे आज खुद पता नहीं है, ना मेरे सप्लायर ठीक हैं ना मैं ठीक हूँ, कैसे इकनॉमी बढ़ेगी कुछ पता नहीं। बिल्कुल सर, जैसे लगभग हमें पूरे पिछला साल अगर देखते तो सबसे ज़्यादा मार छोटे व्यापारियों पर पड़ी है, और छोटे व्यापारियों पर कई सारे घर भी जो है डिपेंड होते हैं, उनको भी अपनी नौकरियाँ छोड़कर लगभग अपने गाँव में जाकर बसना पड़ा है। अभी अगर इस बजट में कुछ अच्छी तरह से आपके लिए निर्णय लिए जाए तो आपके साथ उन घरों को भी और उन लोगों को भी सहूलियत मिलेगी? बिल्कुल सही जितने लोगों ने आज की तारीख में अपनी जॉब छोड़ी है, घर पे बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं ये सबको मालूम है, तो उनके लिए कुछ रोज़गार योजना सरकार में या प्राइवेट क्षेत्र में मिले और हम जैसे लोग को एक सहूलियत दी जाए कि चलो भाई आपके लिए छोटा बिज़नेस जिससे कि आप अपने बिज़नेस को चला सको, बीट एनी सेक्टर, दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड। तो हमको हमारा बिजनेस जो मेड इन इंडिया लोकल इंडिया हैज़ टू स्टार्ट, बी इट सर्विस सप्लाईज ट्रेडिंग वॉट एवर, तो ये हमको एक सहूलियत चाहिए ताकि हम एटलीस्ट अपने इस रोज़गार को जिंदा रख सकें, आदमी और हमारा बिजनेस दोनों। तो आने वाले बजट से आपको कुछ आपको पॉजिटिव हैं होपफुली कुछ ना कुछ अच्छा सुनूंगा मैं, ताकि मैं खुश रहूँ, स्माइल करूँ एंड बोलूँ ये जो बोल रहे हैं पॉसिबल है, तो दिल दिमाग और सेहत तीनों को दिया जाए। सर आपसे आखिरी सवाल, अगर हम लास्ट बजट देखें तो जो हमारे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा था कि अगले 5 साल में हम लगभग 5 ट्रिलियन तक हम पहुँचे, इस तरह से हम लोग अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना चाहेंगे, तो उस हिसाब से आप ये पूरे बजट को किस तरह से देखें? देखिए, 5 साल की गणना तो बढ़ के 7 साल हो गई है, क्योंकि पिछला 1 साल जो है वो 2 साल को अफेक्ट करेगा, 2021 तो गया ही गया, 2021-22 उसको संभालने में लगेगा, तो इसको अभी 7 साल कर दीजिए, वित्त मंत्री जी को थोड़ा राहत दीजिए, 3 साल में चीज़ें नहीं हो सकती, और जो अनाउंसमेंट पिछले बजट में हुए थे वो फुलफिल नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ कोरोना, तो वो अनाउंसमेंट को एक्टिवेट करना प्लस न्यू अनाउंसमेंट किस लिए कि पूरा 9 महीने हम घायल रहे हैं, तो उसको ट्रीटमेंट करने के लिए जितने भी मलहम की ज़रूरत होती है उसका अनाउंसमेंट, और जो उनका मैसेज है बिफोर बजट कि 100 साल में आप अगर ऐसा बजट नहीं सुने, वो बताता है कि वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है, और वो कैसे होगा, अगर आपको कुछ बड़े लॉन्ग टर्म बड़ा महल बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, बेस बनाएंगे, तो बेस कैसे बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे,
तो सरकार सबसे अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देगी इस बजट में, और आप देखिएगा सबसे ज़्यादा हाईवेज, सबसे ज़्यादा आपको एयरवेज, वाटरवेज, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ताकि जो पूरा इवन रिवर ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा जोर देगी। हो सकता है रिवर को जोड़ने की बात हो, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक पुराना सपना था, उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज देखा था तो सड़कों को जोड़ा था, एक उनको रिवर को कनेक्ट करने की योजना थी, उससे पूरे देश में बाढ़ की समस्या का निजात होगा और वाटर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। वाटर ट्रांसपोर्टेशन से 50% से ज़्यादा हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी कम होता है, क्योंकि नेचुरल वाटर जो है वो सड़क का काम करता है, तो सरकार का बजट भी कम होगा। हो सकता सरकार इस तरीके पे सोचे, और इंडिया जो आईटी में आज पावर है बट वो एज ए सप्लायर है, ब्रेन का सप्लायर है इंडिया, वो हो सकता है सरकार इस 5 टियर इकोनॉमी में ब्रेन की सप्लाई ना करे, लोगों को बोले आप इंडिया में आके कंपनियां बनाओ और यहाँ पे काम करो, तो मेक इन इंडिया पे जोर रहेगा। वोकल फॉर लोकल जो उन्होंने बोला था, वोकल फॉर लोकल मतलब कि आपकी जो चीज़ें हैं, आपकी जो अब उनका प्रचार करो। आप इस कोरोना काल में देखोगे कि इंडिया क्यों सर्वाइव कर गया, इंडिया का जो पूरा करैक्टर है वो इटर्नल इकोनॉमिक्स पे बेस है, सनातन अर्थशास्त्र। अगर हम आइसोलेट भी हो जाते पूरी दुनिया से तब भी हम सस्टेन कर पाते, क्यों? क्योंकि हमारे पास खाने की पूरी व्यवस्था है, बेस्ट लैंड ऑफ वर्ल्ड है हमारे पास, बेस्ट वेदर ऑफ वर्ल्ड है, बेस्ट वाटर ऑफ वर्ल्ड है, हर तरह के मौसम है यहाँ पे, हर तरह का स्किल है, हर तरह का लेबर है, हर तरह का ब्रेन है, तो हम दुनिया में सेल्फ सस्टेंड इकोनॉमी हैं। हम प्रॉब्लम में तभी आते हैं जब वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट हो जाते हैं, अदरवाइज अगर हमको खुद अगर जीना हो तो वी आर सेल्फ सफिशियंट, और ये हमने रियलाइज कर लिया। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस कोरोना काल में बोला कि हमको वोकल फॉर लोकल होना है और आत्मनिर्भर भारत बनना। आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है? हम अपनी ज़रूरत के लिए दूसरे का मुँह नहीं देखें, प्रूफ भी हो गया। येणाऱ्या बजेटपासून सगळ्या क्षेत्राला जायते नक्कीच काही ना काहीतरी उम्मीद नक्कीच आहेत। आपल्यासोबत अर्थतज्ञ होते, आपल्यासोबत छोटे व्यापारी होते, त्यांनी येणाऱ्या बजेटमध्ये त्यांच्या अपेक्षा काय आहेत नेमकं हे सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। अक्षय सोबत उमेश करंजकर, ई टी व्ही मुंबई।